सिन इन सेल्स, सबसे बड़ा सेल्स का पाप, सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आप ये तो समझते हैं कि अगर पाप किया तो सजा मिलेगी, पाप किया तो फल मिलेगा। तो सेल्स की दुनिया इंसान को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा सकती है, इतना तो आप और हम सबने सीख लिया, जान लिया। इसलिए अपना करियर आज सेल्स में बनाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए आप और हम सब लोग रेडी हैं। लेकिन ये तो पता करें कि सबसे बड़ा पाप क्या है। सेल्स की दुनिया का सबसे बड़ा पाप है बोरिंग होना। सेल्स की दुनिया का सबसे बड़ा पाप है बोरिंग होना, बोरिंग होना। ये नल वाला बोरिंग नहीं। बाप बताइए, बोरिंग होने के लक्षण, बोरिंग होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? उबासी आना, ये झपकियां आना, और सुस्ती आना, अंगड़ाइयां लेना, वेरी गुड बेटा। और ये तो कोई एक समय की क्रिया का नाम बताया आपने, अभी जो बताया ये तो कोई आधा घंटे में कोई कर ले, कोई 20 मिनट में ऐसी अवस्था हो तो चल जाए। बात कर रहे हैं सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा पाप है जिसका जीवन ही नीरस हो गया, जिसमें रस ही नहीं बचा, जो इतना बोर है कि अगर वो बापू है तो बच्चे पास नहीं आते, वो अगर पत्नी है तो पति उसको देखना नहीं चाहता, वो पति अगर खुद है तो पत्नी उसके आसपास नहीं फटकना चाहती, अगर वो अपलाइन है तो दुनिया की कोई डाउनलाइन उससे काउंसलिंग करने नहीं जाना चाहती, अगर वो लीडर है तो जो लोगों को वो प्लान दिखाने जाएगा वो लोग उससे प्लान देखना नहीं चाहते। इस दुनिया में सेल्स की दुनिया सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे तो लेके जाती है, लेकिन वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं जिनकी जिंदगी में बोर होना उनकी आदत बन चुका है। बोरियत को अपने वायरस की तरह, इस बॉडी में घुसे हुए वायरस की तरह आपको डिबग करना पड़ेगा, उस वायरस को निकालना पड़ेगा। बोरिंग अगर आप हो गए तो उत्साह गया, क्योंकि उत्साह का दुश्मन है बोरिंग होना। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई इंसान जब बोर हो जाता है, जिंदगी बोरियत से भर जाती है, दो लोगों को भी वो प्रभावित कर पाता है क्या? बच्चों को प्रभावित कर पाता है क्या? डाउनलाइन को प्रभावित कर पाता है क्या? उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, लोग उसके नजदीक नहीं आएंगे, लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लोगों का संगठन नहीं बना पाएगा। और आप और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री तो लोगों को झुमाने की है, ये इंडस्ट्री लोगों को उनके दिलों में एक्साइटमेंट को ट्रांसफर करने की है। तो अब आपसे पूछना चाहता हूं, बोरिंग के अपोजिट क्या है? ऐसा क्या करें जिससे जिंदगी में कभी बोरिंग नहीं कहलाएं? ऐसा क्या हो सकता है? अगर आपकी जिंदगी में आप में एक्साइटमेंट है, आप में उत्साह है, आप में जुनून है, आप में जोश है, आपकी बात करने का अंदाज, आपका चलना, आपका हिलना, आपका डुलना, आपका बात करना, आपका प्रेजेंटेशन देना, लोगों तक अपने सपनों को पहुंचाना, अपने सपनों की याद को हमेशा ताजा रखना, अपने सपनों के ऊपर डिस्कशन करना, इस धरती पे वही इंसान बोर होता है जिसके सपने मर चुके होते हैं, जिसका उत्साह मर चुका होता है, जिसका कोई गोल नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी जिंदगी में कहां जाना है ये खबर नहीं है। अगर आप सेल्स की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हो तो आपको अपने सपनों को याद ही नहीं, उनको हवा देनी होगी, उनको तेज गति से ज्वलनशील बनाना होगा, आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। मैं मेरे अतीत के 39 साल में, जब से मैंने होश संभाला है 5 साल की उम्र से लेके आज तक, मुझे याद नहीं है कि मेरी जिंदगी में मैं 15 मिनट भी बोर हुआ हूं। मैं कभी बोर नहीं हुआ। मैं किसी भी घटना से गुजर रहा हूं,
किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरा जीवन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पांच लोग मेरे आके साथ नहीं बैठे, या वो मुझसे बोर हो रहे हो, या मेरे में अब उनको इंटरेस्ट नहीं रहा हो। ऐसा जीवन मैंने कभी नहीं जिया। इसलिए मैं किताबों को पढ़ने के बाद, सफल लोगों की जीवनियां और बायोग्राफी पढ़ने के बाद, जो सूंघ के निकाल के लाया कि सेल्स के लोग नाकामयाब जब होते हैं तो उनके पीछे का कारण क्या है। जिस दिन लोग आपसे बोर होने लग गए, जिस दिन आपकी बॉडी में टच करने से टेम्परेचर कम लगने लग गया, में जुनून नहीं रहा, आप सपनों की बातें करना बंद कर चुके हो, आप फ्यूचर की तरफ नहीं अतीत के पन्नों की तरफ बातें करने लग गए हो, जब आप लोगों के बारे में चर्चा करने लग गए हो, जब आप अपनी जिंदगी में फ्यूचर नहीं देख के अतीत और भूतकाल की तरफ देखना चालू करते हो, तो आपकी जिंदगी में बोरियत ही बसती है, बोरियत ही बसती है। आप देखा करो, कोई आदमी जिसकी नई नई शादी होती है कितना एक्साइटेड रहता है। अब आपकी भी काफी दिन हो गई दिखती है, ऐसा लग रहा है मुझे, जो हालात आपके लग रहे हैं मुझे, इससे मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गए। कुछ सालों बाद देखो आप पति पत्नी का जीवन, बैठ बैठ, तुम्हारा उत्साह कहां गया, जोश कहां गया। कोई इंसान अपनी अपलाइन के साथ बैठता है और इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना बिल्कुल ठंडापन आ जाता है। अरे रे, ये जोश के बिना जीवन में कैसे आगे की रास्ते बनाओगे, जोश के बिना, उत्साह के बिना कैसे आगे की तैयारियां करोगे। कि दुनिया में एक सिद्धांत है, पेलिकन सिद्धांत। पेलिकन सिद्धांत ये कहता है, एक बार ऑस्ट्रेलिया के पूरे पेलिकन पक्षियों में मायूसी छा गई, उनके अंदर बोरियत आ गई और निराश हो गए, तो न्यूजीलैंड से दूसरे पेलिकन पक्षी मंगवाए और उनके साथ जब छोड़ा तो उन पक्षियों का एक्साइटमेंट और जोश और जुनून उनमें ट्रांसफॉर्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया के पेलिकन पक्षियों में भी जान आ गई। सेल्स की दुनिया में घोर पाप है अगर आप उदास हो, अगर आप बोर करने वाले हो, आप में खुशी देने का लक्षण नहीं है, आप में जोश नहीं है, आप में उत्साह और एक्साइटमेंट लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, आपकी आवाज तीन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका जोश लोगों को हिला नहीं रहा है, बोरियत आ जाएगी। तो बोरिंग होना सेल्स की दुनिया में बहुत बड़ा पाप है। मैं 20 साल की उम्र में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर किया था, तो 20 साल की उम्र में जयपुर के दिग्गजों को जाके मैं, मेरा टोटल वजन 37 किलो, और जाके प्रेम पोद्दार जी को कहता था, पोद्दार साहब आपकी जिंदगी बदल दूंगा। वो ऊपर से नीचे तक देखते थे, 37 किलो का आइटम मेरी जिंदगी बदलेगा। खेतान हॉस्पिटल के मालिक, उनको जाके बोलता था, डॉक्टर साहब जिंदगी बदल दूंगा। वो कहते थे, तू पहले गोली तो ले, विटामिन तो ले, तू क्या बदलेगा मेरी। उस समय के डीवाईएसपी ओमेंद्र सिंह रघुवंशी को मैं जाके बोलता था, 20 साल की उम्र में दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, 37 किलो, जिंदगी बदल दूंगा। जो मेरी जिंदगी में सेल्स की लाइफ को मैंने जिस उम्र में शुरू किया था, जो जोश और जुनून पहले दिन था, आज भी वो का वो है। कभी जीवन में बोरियत नहीं आई, कभी मैं निराश नहीं हुआ, कभी हताश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था जिस टायर में हवा खत्म हो गई रे वो पिचक गया, जिसके अंदर अब जोश नहीं रहा, लोग उससे मिलना पसंद नहीं करेंगे, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। पहला और सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि पूरी दुनिया उस कदर दौड़ी चली आती है जिधर खुशियां होती है, जिधर एक्साइटमेंट होता है। आज टीवी के ऊपर एक से एक फिल्में आती है, एक से एक बड़े शो जाते हैं, लेकिन क्यों कपिल शर्मा जैसा शो दुनिया में छा गया? क्योंकि वहां बोरियत नहीं हो सकती। आप कपिल शर्मा के पूरे शो में देख लेना, जीवन में कोई उबासी लेता हुआ नहीं मिलेगा। और आप संसद में देख लेना, आप संसद जब चल रही हो, 500 में से 200 तो एनी टाइम सुनने का तो नाटक करते हैं, सो ही रहे होते हैं। आप देखो बोरियत, अगर आपको कभी भी आपको लगता है ना कि बोर होना है, तो आप लोकसभा टीवी चलाओ, आपको भरपूर आनंद मिलेगा बोर होने का।
सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा पाप बोरिंग होना। और आपको क्या लगता है सिर्फ सेल्स की दुनिया का है? आप खुद बोरिंग हो जाओ, आपकी पत्नी आपके आसपास में नहीं फटकेगी, बच्चे आपको देख के कहेंगे बापू तेरा टेम्परेचर जीरो क्यों है रे, तेरा रस किधर है बापू। बोरिंग होना सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ आपको हमेशा नुकसान ही होगा अगर आप बोरिंग होंगे तो। आज आप जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज को देखोगे तो अब जमाना बदल गया, पहले जितने स्पिरिचुअल गुरुओं को सुनते थे वो सब सफेद टोपियां थी, बाल सफेद हो गए, अब जूस खत्म हो गया, अब सभा में आके बैठे हैं, आम गुठली तो चूसे आए, अब गुठली दान करने आए आम को चूसने के बाद, ऐसे सभाओं में बैठते थे। लेकिन जब से गौड गोपाल दास जी और भी मैं स्पीकर्स को देख रहा हूं, आप देखो अलग ही जोश आ रहा है, ऐसे ऐसे स्पीकर सदगुरु इनको सुनो आप, इन्होंने ये समझ लिया जो अब दीपक बुझे हुए हैं ना इनको रोशन करने से कुछ नहीं होगा। जवानी को अगर सही तरीके से मोल्ड करना है तो हमें वो सीढ़ी लानी पड़ेगी जो जवानी तक पहुंचती है। आज जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं उनमें जोश देखो, उनमें जुनून देखो, उनकी बात करने का अंदाज देखो, कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो देखो, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया एक जला हुआ दीपक ही दूसरे बुझे हुए दीपक को रोशन कर सकता है, बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को रोशन कभी नहीं कर सकता। आज के बाद पहली सौगंध खानी होगी आपको, या तो सेल्स की दुनिया से बाहर चले जाना, हिमालय पे चले जाओ, मस्त एकांत में जिंदगी बिताओ आप वहां पर, वहां भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्स में कामयाब होना चाहते हो, आज के बाद आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी बोलने की कला, आपकी हिलने का अंदाज, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपकी जिंदगी का हर पहलू एक्साइटमेंट वाला होना चाहिए। आज के बाद बोरिंग करने वाला कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डाउनलाइन आपसे मीटिंग्स नहीं मांग रही, चेक करो। अगर आपकी डाउनलाइन आपसे फॉलोअप का टाइम नहीं मांग रही, आपसे मीटिंग नहीं करवा रही, चेक करो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खुद के भीतर है। आपको तो लगता है मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर से खुश होने से होगा क्या? बाहर दिखना भी तो चाहिए, बाहर करंट पैदा भी तो होना चाहिए, बाहर लगना चाहिए इस आदमी से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आज के बाद अगर आप इस बिजनेस में कामयाबी की बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, अपने एक्साइटमेंट को, अपने उत्साह को, अपने जुनून को डबल ट्रिपल कर लो, क्योंकि एक खुशी दूसरी खुशियों को खींचती है। जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, ऐसे एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट को खींचता है। आज दुनिया में किसी भी इंसान की कामयाबी का आप राज देखोगे, वो मायूस नहीं दिखेगा, वो बोरियत नहीं दिखेगा, और बोरियत तो चलती हुई दिखेगी आपको। जितने फिल्म स्टार दुनिया में आए, फिल्मी दुनिया में, उनमें वही बचे जिनमें एक्साइटमेंट है। अक्षय कुमार सुनील शेट्टी दोनों साथ आए थे, आज भी अक्षय कुमार का एक्साइटमेंट, जोश और जुनून देख लो आप, 20 साल के हीरो फेल है उसके आगे, क्योंकि बोरिंग नहीं है वो, कैसे भी रोल कर लेता है, हंसता भी है तो हंसी देख के जनता हंसती है, अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होता है। अरे रे, दुनिया सुनना चाहती है, ट्रांसफॉर्म होना चाहती है, एनर्जाइज होना चाहती है, लाइफ को, जिंदगी में कुछ स्पार्क पैदा करना चाहती है। अगर आप जिंदगी में स्पार्क पैदा करने वाले व्यक्ति बन गए, तो को कभी देखा आपने कि आओ मक्खियों मुझ पे बैठो, कभी गुड़ मिला रास्ते में? कहता हुआ कोई मक्खी नहीं बैठती साली, कुछ समझती नहीं आजकल, गुड़ को मक्खियों को बुलाना नहीं पड़ता, मक्खियां ऑटोमेटिक चली आती है। इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद स्पार्क पैदा करो। मेरी सुशीला से पहली मुलाकात बताई कभी मैंने आपको? हाँ बिल्कुल। पैसे लगे हैं आपके, बताना पड़ेगा, जो हुक्म महाराज। बिल्कुल। मेरा दोस्त जो था उसकी ये मौसी लगती है मेरे दोस्त की, तो दोस्त पहले मिला, ये बात भी मिली। तो एक दिन ऐसी कुछ परिस्थिति थी कि इसके कोई बड़े भाई साहब थे, वो इसको कुछ मजाक कर रहे थे और कुछ कर रहे थे, तो मैंने पूछा उससे, मेरे दोस्त से, ये कौन है?
कि मेरी मौसी, मैं क्या इतनी सी मौसी होती है क्या? मैंने लाइफ में इतनी सी मौसी देखी नहीं थी वैजी साहब तब तक। तो जैसे ही मैंने बोला इतनी सी मौसी, और इसने जो हंसी पैदा की, ये जैसे आपको हंसी आई अभी ऐसे बोलने से, वैसे इसको भी आई। वो हंसी स्पार्क थी, स्पार्क। तो आज मिसेज सुशीला हो गई एक हंसी से। एक हंसी में इतना स्पार्क था, और आज 15 साल बाद भी इसकी हंसी में उतना ही स्पार्क। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जीवन किसी भी दौर से गुजर रहा हो, साला पत्थे की माका सा मुंह के मत दो बोलो तुम। इधर उधर व्यवहार तो गोली निकाल ले इससे अच्छा, लेकिन ये मुंह मत लेके डोले। रोता रोता जाए, मरे की खबर लाए, ऐसा मत करे। कुछ भी हो गया हो, अतीत की कई घटनाएं तेरे साथ हो, लेकिन तेरे चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए, चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए। आज के बाद कसम खाओ, जीवन में कभी ऐसा नेचर नहीं बनाएंगे जिससे लोगों को बोरिंग लगे। क्योंकि ध्यान रखना, अंदरूनी आप कितने एक्साइटेड हो, अंदरूनी आप कितने ही अंदर से खुश हो, बाहर दिखना जरूरी है, क्योंकि उस तक तो तभी आपकी बात पहुंचेगी। हमेशा गुदगुदाहट रखो, एक चुलबुलाहट रखो, खुशी रहनी रहनी चाहिए। किसी भी हालत में आपकी सेल्स डबल हो जाएगी। मैं 6 दिसंबर को जुड़ा था, 9 दिसंबर को सूरत चला गया, 3 दिन का आदमी जुड़ा हुआ, और सूरत में जाके मैंने प्लान ऐसा दिखाया जो कागजों में था ही नहीं, सब कुछ उल्टा सीधा 3 दिन में, और वहां से 6 ज्वाइनिंग लेके आया। वापस आके फोन किया, भाई साहब वो जो जो बताया था ना मैंने, उसमें आप करेक्शन कर लो। एक्साइटमेंट की चरम सीमा अगर होगी तो डेटा बाद में है, चीजें बाद में है, फैक्ट्स बाद में है। आपका एक्साइटमेंट लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो पहला वायरस हटाएंगे, क्या है वायरस का नाम? कभी बोरिंग नहीं होना, कभी बोरिंग नहीं होना, कभी मत होना बोर। बोरिंग नेचर नहीं रखना। आपका पति आपसे 2-3 दिन से ज्यादा बात नहीं कर रहा, मतलब आपको चेक करो, पति को चेक करने की जरूरत नहीं है। पत्नी आप पे ध्यान नहीं दे रही है तो आप पत्नी को चेक करने की जरूरत नहीं, आप खुद को चेक करो, खुद के अंदर वो अपग्रेडेशन करो जो बोरियत से दूर निकालेंगे। तो हटाएंगे इस वायरस को, क्योंकि ये वायरस निकाल के जब मार्केट में जाओगे, ओ हो छाओगे मार्केट में। लोग अगला काम वो करेंगे जो इस बिजनेस के लिए आपको चाहिए।